बीजेपी की सरकारों के अन्याय अत्याचार का शिकार बनकर अभी तक भी उनके सरकारी उत्पीड़न वे आतंक का प्रभाव झेल रहे हैं, अर्थात शिकार बने हुए हैं। और उनमें से अनेकों लोग फर्जी आरोपों में जेलों में भी कैद कर दिए गए हैं तथा कुछ लोगों को तो इस अभियान में अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है। खासतौर से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में इस अभियान में कई लोगों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ी है। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने व अति दुख की बात ये भी है कि इस आंदोलन व अभियान के दौरान इस मामले में केंद्र सरकार में बैठे सभी दलित व आदिवासी सांसद एवं मंत्री उस समय पूरे तौर से अपनी चुप्पी साधे हुए थे जब ये 2 तारीख को आंदोलन किया गया था, जो अब लोकसभा आम चुनाव के नजदीक आते ही इस प्रकरण को लेकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और इनमें से एक मंत्री को तो इसी महीने दिनांक 9 अगस्त को इस प्रकरण को लेकर अपनी पार्टी का धरना प्रदर्शन व बंद आदि करने तक का भी ऐलान करना पड़ गया था, जो हर चुनाव में भारी पड़े गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के मामले में अधिकांश अपना गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, जिनसे वह इस किस्म के अन्य और सभी स्वार्थी किस्म के लोगों से इन वर्गों के लोगों को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही इन वर्गों के हितों में यह हमारी पार्टी का केंद्र की सरकार से ये भी कहना है कि इनकी सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को पूरे तौर से प्रभावी बनाने के लिए इस मामले में इनको अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने की भी जरूरत है, क्योंकि इस मामले में इन वर्गों के कर्मचारी केंद्र की सरकार के रवैये से धुलमुल रवैये से अभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा जहां तक अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सवाल है तो इसका भी हमारी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इनका ये प्रयास ओबीसी के मामले में केवल कोरा कागजी दिखावटी व चुनावी स्वार्थ भरा नहीं होना चाहिए, बल्कि इन वर्गों का अर्थात पिछड़े वर्गों का इनको संवैधानिक व कानूनी हक भी पूरी ईमानदारी पूर्वक जरूर मिलना चाहिए। और खासकर शिक्षा व सरकारी नौकरी के क्षेत्र में इनको इनके आरक्षण का भी सही लाभ समय से वह पूरा मिलना चाहिए, जो कि इन्हें अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है। वैसे बीजेपी व आरएसएस एंड कंपनी के लोगों के तथा इनकी सरकारों के भी चाल चरित्र व चेहरे को देखकर ऐसा हमें कतई नहीं लगता है कि देश में दलितों आदिवासियों व पिछड़ों के शिक्षा व नौकरी आदि में मिलने वाले आरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिकारों के मामले में ये सरकार अपनी थोड़ी भी ईमानदारी बरतेगी। और इनके पूरे देश भर में आरक्षण के खाली पड़े लाखों पदों को भरकर इन्हें थोड़ा आगे बढ़ाने का मौका देगी, हमें संदेह है। और अब अंत में मेरा ये भी कहना है कि यदि केंद्र की सरकार तो पूरे देश में जो अपर कास्ट समाज में से गरीब लोग हैं इनको आर्थिक आधार पर भारतीय संविधान में संशोधन के जरिए 18% या उससे अधिक भी इनको आरक्षण देने के लिए कोई कदम उठाती है या विधेयक लाती है अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए कोई कदम उठाती या विधेयक लाती है तो हमारी पार्टी इसका सबसे पहले वेलकम करेगी, स्वागत करेगी।
क्योंकि इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है, पिछले काफी वर्षों से हमारी पार्टी लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी और लिखित में भी तो केंद्र सरकार को ये अनुरोध कर चुकी है कि देश में जो अपर कास्ट समाज में से गरीब लोग हैं तो उनको भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस मामले में कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं केंद्र की सरकार को ये भी कहना चाहूंगी कि अपने देश में मुस्लिम में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बड़ी तादाद में है, इनकी भी काफी बड़ी तादाद है और इन जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं इनमें गरीबी भी काफी है। तो जब केंद्र की सरकार अपर कास्ट समाज में से तो गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के लिए कोई कदम उठाती है तो इसके साथ साथ तो केंद्र की सरकार को पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो गरीब लोग हैं तो उनको भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए जरूर कदम उठाना चाहिए। ऐसा हमारा केंद्र की सरकार से ये पुरजोर अपील है, मांग है। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बसपा अध्यक्ष मायावती को आप सुन रहे थे। 2019 में चुनाव एक नया दांव खेल दिया इन्होंने। इन्होंने कहा है कि अपर कास्ट में जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी सवर्णों की बात कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, सवर्णों की बात कर रही हैं और कह रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण है उन्हें 18% आरक्षण मिलना चाहिए। नंबर टू, मुस्लिमों को भी पूरे देश में आरक्षण मिलना चाहिए, ब्राह्मणों को और साथ ही साथ मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। स्टैंड बदला है मायावती ने थोड़ा और ये 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो सकता है। इधर लखनऊ से बड़ी